अब तो चेक तुम्हारा बाउंस हो गया। अरे आप तो मैं पढ़ूंगा नहीं। हाँ बोले कोई बात नहीं, पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर पैसा दे जाऊं। ये होता है बाप। सबका विरोध करो, सबसे लड़ो, माँ बाप से मत लड़ो। कभी कभी माला बची बची हरकत करते, डार्क लाल शर्ट ले आए, डार्क बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर, पहन लो। तुमसे मना मत करो, तो वाह हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये काम माँ बाप भी करते हैं, ये काम कभी कभी पत्नियां भी करती हैं। मैं तो भुक्तभोगी हूं। हालांकि प्रेम ये सारे प्रेम में ही करते, ऐसे ऐसा कपड़ा ले आएंगे चीता बनाओ। अरे भैया पर पहन लो, उस वक्त पहन लो, उस वक्त कुछ मत दो। तुम सिर्फ अपने माँ बाप की हर बात मानना शुरू कर दो, बुढ़ापे की जितनी बीमारियां होती हैं सब खत्म हो जाएगा। उनकी जो बीमारियां हैं ना, जिसको हम कहते हैं पोस्ट छुट्टी बीमारियां, वो तनाव से होती हैं। और मेरे पिताजी खुद तो आते ही हैं, महीने के बीच में किसी को भेजते भी थे गाँव से, पैसे दे गए जाओ। और वहां कहना जी घूमने आए थे तो सोचे आपसे भी मिल ले। तो पहली बार एक आदमी आया मेरे गांव से, उसने कहा भैया ऋषिकेश घूमने आए तो सोचे आपसे मिल ले, बाबूजी आपके लिए पैसा भी है। मैंने कहा लाओ। दूसरी बार जब दूसरा आदमी आया कि भैया हम घूमने आए थे, हमने कहा पैजामे के नीचे कच्चा तो पहनते नहीं, तुम्हारी औकात तुम घूमने जाओगे। अरे कहा भैया बदतमीजी का कर रहे हैं। बदतमीजी कौन भेजा तुमको? कहा बाबू जी भेजे। हाँ मैंने कहा ऐसे बोल, लेकिन ये बाप है तो ये करता है, ये बता रहा हूं। उसके बाद जीवन में तुम्हारा जो भी एक रुपया देगा, माँ बाप के बाद जीवन में तुमको जो भी एक गिलास पानी पिलाएगा वो तुमसे कुआं खुदवाएगा, कुआं। और हम गलती क्या करते, हम सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को ही निग्लेक्ट करते। हमको दूसरों की तारीफ करने की आदत है। जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त बाहर रहते हैं, आते कहते हैं अमेरिका वैसा अमेरिका। हमने कहा तो हम मरने आते हो, हमारे दिल के बड़ा करीब, कुछ निकलेगा बड़ा सटीक।